बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम दोस्तों को अपने चैनल पे खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि मोटरसाइकिल के अंदर ये जो है अगर स्लिप हो जाए, इसका आप बुश नया लगवाते हो, इस ये किल्ली जो है ये आपको मार्केट से नहीं मिलती। मैंने पूरी मार्केट में इसको ढूँढ लिया है लेकिन मुझे ये नहीं मिली, तो इसका आसान हल जो है वो हमने ढूंढ लिया है। तो मैं आप दोस्तों के साथ इसको शेयर करना चाहता हूँ कि आप इसको किस तरह लगाते हो। तो ये यहाँ पे लगती है, ये गियर शाफ्ट के लिए होती है। ये गियर शाफ्ट जो है इससे अपनी जगह पे बरकरार रहती है, आगे पीछे नहीं होती है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो गियर शाफ्ट जो है पीछे चली जाएगी तो आगे नहीं आएगी, आगे चली जाएगी तो पीछे नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, अभी इसका मैं आपको हल बताता हूँ कि आपने किस तरह करना है। तो सबसे पहले आपने कोई काबला वगैरह लेना है, तो हमें ये बड़ा काबला मिला है, ये ले लेंगे। और अगर आपको छोटा मिल जाए इस तरह का, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन ये जो है ये इसकी चूड़ी जो है बहुत मज़बूत है, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। इसको करना ये है कि आपने इसके बराबर रख के निशान लगा लेना है, जैसा कि हमने ये निशान लगाया हुआ है। इससे थोड़ा सा बड़ा काटेंगे क्योंकि ये नाट जो है ये थोड़ा बड़ा है, इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये छोटा है। तो इसको हमने इधर टाइट करना है, इंजन के जो बुश होते हैं इनमें टाइट कर लेंगे नाट हो तब भी। तो अभी हम इसको टाइट कर रहे हैं, तो अभी मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, फिर आगे मैं आपको बता दूँगा कि हमने इसको कैसे काटना है। तो दोस्तों, इसको अभी हमने टाइट कर लिया है। अभी हरी ब्लेड लिया है, हरी ब्लेड से अभी मैं इसको तो दोस्तों इसको आपने काटते जाना काटते जाना। जैसे ही ये थोड़ा सा रह गया, अभी इसको ऐसे दबाएंगे नीचे की तरफ तो ये टूट जाएगा यहाँ से, ये देख सकते हैं दोस्तों ये टूट गया। अभी आपने इसको खोल लेना, तो ये अभी हम इसको खोलते हैं। तो ये इजीली जो है आपका आसानी से खुल जाएगा, बस थोड़ा आगे कर। तो अभी हम ये इधर आपको लगा के भी दिखाते हैं, तो ये इधर लगेगा इस तरह। तो हमने इसको टाइट करते जाना है करते जाना है, अभी हम इसको टाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी ये ग्रारी जो है ये लगा के आप देखेंगे कि ये साथ टच तो नहीं हो रही, तो इसको अभी हम लगा के देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ग्रारी थोड़ी सी इसके साथ टच हो रही है, तो आपने करना ये है कि इसको थोड़ा ढीला करना है। ये वाला जो है इसकी सेटिंग दोस्तों इस तरह आपने करनी है। तो दोस्तों, उसके बाद आपने इसको टाइट करना है। इसका बुश जो है हमने खरादिया से लगवाया, तो आप भी खरादिया से बुश लगवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसकी ये गियर शाफ्ट है, गियर शाफ्ट हम इसमें इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, इसकी गियर शाफ्ट जो है वो अपनी जगह पे अभी बैठ चुकी है, ये देख सकते हैं आप कि ये इस तरह कुछ लगती है। उसके बाद इसकी ये पत्री लगा के इसके गियरों को करते हैं चेक। सीधा ये सराख सीधा आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद इसको ऊपर जो निशान बना होता है, निशान के हिसाब से आपने इसको रखना है ताकि इसका निशान जो है ये सही फिट हो जाए। तो अभी ये देखें, नाट जो है इजीली लग गया है। अगर ये सही फिट नहीं होगा तो नाट जो है वो आपका आसानी से नहीं लगेगा। अभी हम ये लगाते हैं इसका, ये पहले स्प्रिंग लगाया फिर स्टॉपर पत्री, उसके बाद ये नाट। ये आपने इसी तरह ही लगाना है। तो दोस्तों, अभी हम इसको टी रॉड की मदद से टाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसको आपने यहाँ पे टाइट करना है। तो
इसको दोस्तों इसमें फिट कर लेंगे नट में ताकि ये जो है सही तरीके से अपना काम करे। ये भी हम इसको अच्छे तरीके से टाइट कर रहे हैं, ये भी टाइट कर लिया, ये भी कर लिया। तो दोस्तों ये टाइट अभी सेट हो चुका है आपके सामने, अभी हमने रखा है। अभी हम गियर लीवर लगा के इसकी गियरों को चेक करते हैं थोड़ा थल लेकर। तो दोस्तों अभी इसके गियर को हम चेक करते हैं, तो ये देख सकते हैं ये पहला गियर लग गया, ये दूसरा, अभी ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये अभी पहला निकल गया, सॉरी चौथा निकल गया, अभी तीसरा भी निकल गया, अभी ये सॉरी दूसरा निकला था, अभी तीसरा, तो अभी ये सारे गियर जो है निकल गए। तो इस तरह ये देख सकते हैं कि ये सही बिल्कुल वर्क कर रहे हैं, तो आप इसको आगे फिट कर दें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह आपने ये लगा लेनी है। ये अभी मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे। तो दोस्तों ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको लगा लिया है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी ये पुरानी वाली थी, ये ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस तरह इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने, और नेक्स्ट जो भी आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दें, तो हम इस आपके लिए जो है वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।